खबर है मिर्जापुर से। मानगवासी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा विंध्य धाम गेस्ट हाउस में गरीब व असहाय को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल का वितरण किया गया और राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह ट्रस्ट गरीब और असहायों की हमेशा मदद करता है और सामाजिक कार्य में तत्पर रहता है। मानगवासी की प्रेरणा और उनकी कृपा से विंध्य चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। गरीब व असहाय को कंबल दिया जाता है। जब से यह ट्रस्ट बना है तब से सामाजिक कार्य किया जा रहा है और गरीबों के सहयोग के लिए हमेशा यह ट्रस्ट तत्पर रहता है। इस अवसर पर पंडित शेखर शरण उपाध्याय मैनेजिंग ट्रस्टी विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधान पुजारी मानगवासी धाम, राघवेंद्र उपाध्यक्ष प्रधान पुजारी मानगवासी धाम, रघुवर दयाल उपाध्याय, विनय उपाध्याय, सचिन उपाध्याय, उदयदीत पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। कार्यक्रम है मानगवासी के प्रेरणा से, उनकी कृपा से विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितने कंबल वितरण किए जा रहे हैं, किन किन लोगों को किया जा रहा है? सैकड़ों कंबल वितरण आज किया जा रहा है, सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को। कैसे व्यक्तियों के बीच में वितरण किए जा रहे हैं? ठंड का समय चल रहा है, जैसे जो भी जरूरतमंद हो उन लोगों से संपर्क करके हम लोगों ने अपने इस विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट में आमंत्रित करके उनको वितरित करें। कितने वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है जो कि आप गरीबों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं? जब से ये ट्रस्ट बना है विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम नियमित रूप से हर वर्ष होता चला है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या कार्य हैं ट्रस्ट के द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा जब भी मौका मिलता है तो जरूरतमंदों की मदद करना और हर वर्ष कंबल वितरण करना, फल वितरण करना, खाद्य सामग्री वितरण करना, तरीके का सामाजिक कार्य चलता रहता है। ठंड में और भी कहीं अन्य स्थानों के जैसे वृद्धाश्रम वगैरह और कहीं ट्रस्ट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग अन्य स्थानों पर भी जाकर के कंबल वितरण करेंगे। श्री विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विंध्य धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा सामाजिक कार्य किया जा सके, जरूरतमंदों की मदद किया जा सके, वो हम लोग निस्वार्थ भाव से करते चले आए।